था। यहाँ करते बच्चे को लेके आए के, के फ्रेश काफ़ी से हाय फ्रेंड्स मैं हूँ रोशनी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल तो आज है संडे 19 मार्च तो सुबह से व्लॉग जो है ना आज का स्टार्ट कर रही हूँ तो सुबह उठ के मैंने जो है गर्म पानी लिया और यहाँ पे मैं बना रही हूँ मेरे लिए ब्लैक टी मुझे आजकल ना ब्लैक टी बहुत पसंद आती है तो यहाँ पर मैंने वही जो सारी चीज़ें मैं डालती हूँ दालचीनी का पाउडर तुलसी अदरक और थोड़ी सी चाय पत्ती और हाँ चाय में गुड़ के साथ ही बनाती हूँ शक्कर में चाय में ऐड बिल्कुल भी नहीं करती हूँ तो बस यहाँ पे जो चाय है मेरी बन रही है और चाय सुबह सुबह बहुत मतलब ऐसा लगता है ना बिना चाय के नहीं रह सकते चाय तो चाहिए एनर्जी लाने के लिए चाय बिल्कुल चाहिए ही चाहिए तो बस यहाँ पे मेरी चाय तैयार है और चाय मैं इंजॉय करूँगी मेरे प्यारे प्यारे प्लांट्स के साथ बाहर पोर्च में बैठ के बस चाय पी पाँच दस मिनट बैठी हूँ उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में और जो है ना आज कुकिंग मैंने कुकिंग जो है ना मैंने आज जल्दी जल्दी कर ली थी क्योंकि मुझे घर की क्लीनिंग काफ़ी सारी करनी थी तो कुकिंग में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया टाइम वेस्ट का मतलब मैंने कुछ खास ज़्यादा नहीं बनाया नॉर्मल सी कुकिंग की है और नाश्ते में भी ऐसे ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था मुरमुरे की मतलब भेल जो होती है वैसी बना ली थी बच्चों को भी दे दी थी क्योंकि मुझे आज काफ़ी सारा टाइम था मतलब टाइम लगने वाला था साफ सफाई करने के लिए तो यहाँ पे मैंने लिए ये भाजी इसे घोड़ भाजी बोलते हैं मुझे अच्छे से प्रोनाउंस करते नहीं आता मुझे नाम अच्छे से नहीं पता इसका घोर या घोर ऐसी समथिंग बोलते इसको तो इसकी बनने वाली आज दाल और इसकी जो दाल होती है ना बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और दाल भाजी जो है मेरे हस्बैंड की बहुत ज़्यादा फेवरेट है तो आए दिन बनती रहती है ऐसा है तो यहाँ पे जो सब्जी है ना उसको अच्छे से दो तीन पानी से धुल लूँगी क्योंकि जब इसको लेके आए थे ना तो इसमें काफ़ी सारी मिट्टी थी और अभी थोड़ा बहुत ना बारिश का मौसम चल रहा है तो मिट्टी सब्जियों में लगी हुई आती है तो बस इसे दो तीन पानी से ना अच्छे से वॉश कर लिया था और इस सब्जी का टेस्ट ना काफ़ी अच्छा आता है दाल जो जिस दाल पालक होती है ना वैसे ही इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है तो अब यहाँ पे दाल के लिए ना मैंने ले ली है मूँग की दाल और चने की दाल और साथ ही में अरहर की दाल मतलब तुअल की दाल तो चने की दाल भी यहाँ लेना जरूरी है चने की दाल की इससे टेस्ट ना दाल भाजी का बहुत अच्छा आता है स्किप नहीं करना चने की दाल से टेस्ट बहुत अच्छा आता है तो यहाँ पर इसके बाद मैंने तुअल की दाल जैसे अरहर की दाल भी बोलते हैं ये सब ले लिए है और इस दाल को ना पालक के साथ भी बना सकते हैं मेरे घर में पालक के साथ भी बनती है इसके साथ भी बनती है और एक और तरह की भाजी आती है उसके साथ में भी बनती है उसका नाम नहीं पता मुझे उसके साथ में, भी बनती तो ही, में, तो साथ में ही बनती है तो मोस्टली जो होता है ना पालक अवेलेबल होती है मार्केट में तो पालक के साथ में ही ज़्यादा ये बनती है तो यहाँ पर दाल को भी दो तीन पानी से ना अच्छे से मैंने वॉश कर लिया दाल और सब्जी ना दाल और सब्जी अच्छे से धुल ली है मैंने यहाँ पे अब इसके बाद इसे पकाना है तो ये सारी जितनी भी चीज़ें ना एक साथ डाल के मैं पका लूँगी तो फिर बाद में इसको ना तड़का लगाऊंगी तो दाल है और हाँ आज क्या था घर में फली दाने नहीं थे फली दाने बहुत अच्छे लगते इसमें लेकिन घर पर फली दाने नहीं थे तो आज फली दाने इसमें नहीं डाल पाई तो बस दाल और सब्जी डाल दी है और जितना पानी इसे बॉईल करने के लिए लग रहा था ना वो डाल दिया और साथ ही में मैंने यहाँ पे लिया है गीला वाला नारियल घर पे रखा हुआ था इसका भी टेस्ट अच्छा आता है पसंद है हस्बैंड को इसके चंक्स जो आते हैं ना मुँह में अच्छे लगते हैं तो बस रखा हुआ था घर पे गीला वाला नारियल क्योंकि आ, सलाद में हम लोग यूज़ करते हैं तो नारियल जो होता है ना ये रखा ही ड्राई वाला भी घर पे रखती हूँ लेकिन गीले वाले का टेस्ट थोड़ा अलग आता है तो इसे भी आ, रखा हुआ है मतलब गीला मतलब पानी वाला नारियल और साथ ही में यहाँ पर मैंने ना दो टमाटर बड़े बड़े पीसेस में ही कट कर दिए थे क्योंकि टमाटर ना एकदम से जल्दी से बहुत ज़्यादा घुल जाते हैं और तो थोड़ा सा दिखता है ना रेडिश तो अच्छा लगता है मुझे घुले हुए टमाटर एकदम ज़्यादा पसंद नहीं है हालांकि पक जाएंगे अच्छे से लेकिन जो है ना दिखेंगे कलर तो दिखेगा रेड रेड दाल में इसका तो बस इसीलिए इसके मोटे मोटे जो आ, मतलब बड़े बड़े जो पीसेस होते हैं ना वो कट करके डाल दिए अब इसमें जितना पानी लगने वाला था उतना पानी डाल दिया और साथ ही थोड़ी सी हल्दी डाल दी और हल्दी डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है और चला दिया है और जो दाल होती है ना बेस्ट ऑप्शन होता है मतलब जब कोई सब्जी सब्जी समझ में नहीं आती कि क्या बनानी है क्या नहीं बनानी है तो दाल सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है तड़के वाली दाल फ्राई दाल जैसे भी बोल लो दाल के जो जितने भी टाइप्स होते हैं बेस्ट ऑप्शन होता है अब यहाँ पे क्या किया है इसके बाद मैंने चावल भी रख दिया है साइड में चावल मतलब खाने वाले सिर्फ आई बाबा और बच्चे थे बच्चे भी बहुत कमी खाते कभी खाते कभी नहीं खाते हैं तो बस थोड़ा सा चावल लगा दिया था मैं और हस्बैंड तो नहीं खाने वाले थे तो बिल्कुल थोड़ा सा चावल लगा दिया था यहाँ पे तो आज चावल जो है मैंने बिल्कुल अलग लगाया है क्योंकि इस कुकर में ना दाल जो सब्जी डाली है मैंने तो इसके साथ में चावल का डिब्बा भी नहीं आ सकता इसे अलग से लगा दिया है अब जो है दाल को फ्राई करने की जो जितनी भी तैयारी है वो करूँगी तो प्याज ले लिया है लहसुन ले लिया है और बस इसे मतलब अब प्याज को बारीक बारीक कट करके जो लहसुन है उसको भी छिल के रख लूँगी मैं बस यहाँ पे सारी जो तैयारियाँ चालू है साथ में बातचीत भी चालू है बच्चे यहीं पे है क्योंकि पी की जो एग्जाम से ख़त्म हो गई है और टू वीक्स की अबाउट हाँ टू वीक्स की उसे छुट्टियाँ लगी हुई है उसके बाद उसके स्कूल जो है ना थर्ड ऑफ अप्रैल से फिर चालू हो जाएंगे और अनायक की जो है एग्जाम होने की है क्योंकि दोनों के स्कूल अलग अलग है तो बस संडे था बच्चे थे घर पे तो मतलब यहाँ पे बातें भी चालू है इसके बाद जैसी सारी सब्जियाँ मैंने कट कर ली सब्जियाँ मतलब प्याज और जो लहसुन था वो आटा भी मैंने लगा दिया है रोटी बनाने के लिए तो अभी भागकर नहीं बना रही हूँ क्योंकि अभी सिर्फ आई बाबा और बच्चे ही खाने वाले हैं मैं और हस्बैंड नहीं खाएंगे इसलिए सिर्फ रोटियाँ लगाइए और आज एक रोटी खा लूँगी मैं मतलब मैं खाऊँगी ऐसा नहीं नहीं खाऊँगी लेकिन आज एक रोटी खा लूँगी क्योंकि दाल भाजी बनी मुझे भी अच्छी लगती है तो भागकर नहीं बना रही हूँ आज मैं अपने लिए सीधे शाम को बनाऊँगी तो यहाँ पे जो रोटियाँ थी वो भी बना ली और जब रोटी आ, मतलब फूलती है ना मैं हमेशा बताती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है तब तो ऐसा लगता है कि नहीं यार सच में रोटी बन गई है अच्छी और फूलती नहीं है ना तो मन थोड़ा सा वो हो जाता है कि नहीं क्या मेरे मेरे हाथ से अच्छी रोटी नहीं बनी है तो बस जब फूल जाती तो मुझे बहुत अच्छा लगता है तो बस यहाँ पे रोटी जो है बना रही हूँ और बीच में ही पीहू आई थी पीहू क्यों क्योंकि जैसे मैं रोटियाँ बनाई थी तो उसे पराठा चाहिए था तो उसने बोला कि मम्मी मीठा वाला पराठा चाहिए तो बस यहाँ पे उसी के लिए मैं यहाँ पे मीठा पराठा जो है ना वो बना रही हूँ और मीठा पराठा अच्छा लगता है मुझे भी बचपन में, में बहुत पसंद था जैसे आई रोटी वगैरह बनाया करती थी तो हम लोग भी बीच में बोला करते थे कि नहीं शक्कर का पराठा चाहिए करके और बहुत अच्छा लगता है जब घीवी डाल के उसे सेकूँ ना तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है तो बस पीहू के लिए भी यहाँ पे मैंने जो है शक्कर फिल करके अच्छे से एक पराठा बना दिया साथ ही में वो भी अपना जो काम है कर रही है क्योंकि आटा रखा हुआ है और बच्चों को आटे के साथ ना बहुत खेल आते हैं तो भी छोटी छोटी वो रोटी इस तरह से बना के खेल कर रही थी कि मम्मी मेरी भी रोटी अभी सेक देना इसके बाद में तो बस यहाँ पर जो ना पराठा अच्छे से मैंने बना लिया है उसे घी में सेक लूँगी यहाँ पे प्लेट लेके खड़ी थी कि कब पराठा बनता है और कब मुझे मिलेगा तो उसके मतलब चेहरे की खुशी देखना क्योंकि कि, कितनी खुशी हुई कि पराठा उसे मिल गया है अब बस यहाँ पे बारी आती है दाल को तड़का देने की तो मैं आपको दाल दिखा देती हूँ कि किस तरह से बनी है तो दाल जो है ना अच्छे से पक चुकी है और अगर ज़्यादा कुछ नहीं करना है तो सिंपल इस तरह से भी राय जीरे का तड़का अच्छा लगता है लेकिन हाँ अभी पूरा खाना इसी के साथ खाना है मैंने कोई और सब्जी नहीं बनाई है तो दाल को अच्छा वाला तड़का लगाना तो ज़रूरी है तो बस यहाँ पे तेल डाल दिया है तेल जैसे ही गर्म हो जाएगा तो राई जीरा मतलब बहुत ही सिंपल ऐसा नहीं कि इसमें बहुत आ, बड़ी वाली चीज़ें कि बहुत अलग तरह से इसे बनाना है कुछ भी नहीं ऐसा करना है राई जीरा डाल दिया है तेजपान डाल दिया है लाल मिर्च खड़ी वाली बहुत अच्छा टेस्ट देती है इसमें खड़ी मतलब सैगी वाली लाल मिर्च और थोड़ी सी हरी मिर्च डाली है अब इसके बाद प्याज डाल दिया है प्याज जैसे हो जाएंगे ना उसके बाद मैंने ना अदरक और लहसुन को कूट लिया था जो ताज़ा कूटा हुआ होता है ना उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है अदरक लहसुन का पेस्ट जो बना हुआ रहता है उसका अलग लगता है लेकिन कुटे हुए का बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसके बाद इसमें मैंने डाल दिया ड्राई मसाले जिसमें था थोड़ा सा धनिया पाउडर हल्दी पाउडर लाल मिर्च का पाउडर जो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और थोड़ा सा गर्म मसाला अब जो दाल पकी हुई रखी थी बस इसे इसमें ऐड कर देना है और जितनी भी थिकनेस चाहिए जितनी गाढ़ी चाहिए दाल पतली चाहिए उसके अकॉर्डिंग इसमें पानी ऐड करना है तो मेरे हिसाब से जो दाल थी ना थोड़ी गाढ़ी हो गई थी अब यहाँ पे मैंने डाल दिया नमक और इतनी गाढ़ी दाल मुझे नहीं चाहिए थी तो थोड़ा इसमें पानी मैंने ऐड कर दिया है क्योंकि दाल काफ़ी गाढ़ी थी और चने की दाल जो होती है ना जैसे दाल ठंडी हो जाती है ना तो दाल और ज़्यादा ठीक हो जाती है इसीलिए उसमें थोड़ा पानी मैंने ऐड कर दिया है अब साथ में खाने के लिए यहाँ पे बना रही हूँ मैं आज चने की दाल की चटनी बहुत अच्छा लगता है मुझे चने की दाल की चटनी का कॉम्बिनेशन दाल भाजी के साथ में तो यहाँ पे जो चने की दाल है उसे भिगो के रख दिया था उसमें हरा धनिया लहसुन लहसुन मतलब दो तीन कली ज़्यादा नहीं और ज़ीरा डाल के अच्छे से पीस लिया है और जैसे ही पीस जाएगा ना उसके बाद थोड़ा सा दही डाल के से फिर से पीस लिया है अब तड़के की तैयारी कर रही तो तड़के के लिए यहाँ पे मैंने राई ली है और थोड़े से कड़ी पत्ते हाँ दाल की चट्टी में मैं हरी मिर्च भी डालती हूँ लेकिन बाबा भी खाने वाले थे इसलिए उसमें मैंने हरी मिर्च नहीं डाली क्योंकि तीखा हो जाता फिर ऐसे भी बहुत अच्छी लग रही थी लेकिन हरी मिर्ची डाल दो तो और अच्छा टेस्ट इसका ना बढ़ जाता है तो यहाँ पे जो दाल की चटनी वो रेडी है और खट्टी सी होती दही डालने के बाद तो बहुत अच्छी लगती है तो खाना मेरा 11 बजे तक लगभग बन गया था क्योंकि मुझे उसके बाद करनी थी क्लीनिंग अब यहाँ पे मेरे हस्बैंड आके किचन में अब उनने काम संभाल लिया है क्यों क्योंकि वो अभी बना रहे हैं जूस तो आजकल मेरे घर पर मतलब जो एश गार्ड भूरा कुमड़ा जिसे बोलते हैं इसका ना जूस पीना चालू है मतलब मेरे हस्बैंड तो डेली लेते हैं जूस किसी ना किसी सब्जी का जैसे हो गया कुकुम्बर हो गया और लौकी हो गया पालक हो गया बीट गाजर इन सब का लेते ही है लेकिन अभी जो है ना घर पे काफ़ी सारे जो ये भूरे कुमड़े होते हैं ना कद्दू जिसे बोलते हैं हम लोग वो ला के रखे हैं तो काफ़ी मतलब हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है हमारी बॉडी की जितनी भी टॉक्सिक चीजें होती है उसको बाहर निकालता है और बहुत सारे इसके जो ना फायदे हैं तो इसमें डाल दिया इसमें थोड़ा सा ना इसमें इन्होंने डाला है मिंट लीव्स जो कि घर, घर, घर पे नहीं घर पे नहीं लगाई घर पे सॉरी डिब्बे से निकाली घर पे जो लगाई थी ना वो सूखते आ गई है और इसके बाद इसे छान लेना है और टेस्ट अगर ज़्यादा बढ़ाना है तो थोड़ा सा आंवला और काली मिर्च और नमक डाल के ले सकते लेकिन मैं और मेरे हस्बैंड इसे इसी तरह से प्लेन लेते हैं तो बस जूस पी लिया अभी और हाँ इसके पहले हम लोगों ने नाश्ता कुछ भी नहीं किया था खाली पेट ये जूस लेना होता है इसलिए किसी भी तरह का को कोई नाश्ता नहीं लिया था अभी ये हो रहा है दोपहर का टाइम मतलब अब लगभग डेढ़ दो बज रहे थे हाँ डेढ़ दो के ढाई बजे थे शायद तो यहाँ पे मैंने जो ना किचन क्लीन कर लिया है और जो खाना है बच्चों का भी लगा दिया है और बच्चों को जब तक बोलो नहीं तब तक वो खाना खाते नहीं है तो साथ में जैसे मैं बैठ रही थी तो उनका भी खाना लगा दिया है और ये रहा सलाद हमेशा आप देखते हो कि मैं तो सारा सारा सलाद जो है काट के रखती हूँ खाती कैसे हूँ तो मैं इस तरह से खाती हूँ सारी चीज़ें जो ना थोड़ी थोड़ी ले, ले लेती हूँ यहाँ पर पालक भी कट के रखी हुई है मेथी नहीं काटी आज मैंने बस पालक रिखी हुई है और जो स्प्राउट्स हमेशा मेरे घर पे बने दिखते आपको हमेशा ही दिखते हैं कि मेरे घर पे स्प्राउट्स होते हैं तो ये स्प्राउट्स जो है ना हम लोग सलाद में यूज़ करते हैं और थोड़ा सा इसमें दही डाल दिया है दही जो घर पे बनाया हुआ है और सॉस हाँ इसमें इमली की चटनी भी डालती हूँ अगर सॉस नहीं डाला तो ये दिखा रही थी कि मैंने इमली की चटनी भी बना के रखी है घर पर तो आज मैंने सॉस डाल दिया अदरवाइज़ कभी मैं इसमें इमली की चटनी भी डाल देती हूँ और काली मिर्च और थोड़ा सा नमक बहुत ही हम लगता है जैसे चाट होती है ना बिल्कुल उसी तरह से इसका टेस्ट आता है जिससे सलाद खाना नहीं होता ना इस तरह से खाओ बिल्कुल आस मतलब इजीली सलाद जो है ना खाना हो जाएगा तो ये मेरी प्लेट थी और खाना हो गया उसके बाद दोपहर में जितनी क्लीनिंग थी वो की फिर उसके बाद रेस्ट किया और ये हो रहा है शाम का टाइम जब हम लोग निकल गए घर से बाहर और आज मतलब ऐसा कोई प्लान नहीं था लेकिन हस्बैंड ने कहा कि काफ़ी टाइम से हम लोग बाहर नहीं गए हैं तो बच्चों को लेके बाहर चलते हैं तो यहाँ पे जो है ना ये हमारे वर्धा का पूरा व्यू यहाँ से दिख रहा है तो यहाँ पे एक टेकड़ी है आ, हिंदी विश्वविद्यालय और यहाँ पे एक पार्क बना हुआ है ऑक्सीजन पार्क जिसे बोलते हैं बहुत प्यारा व्यू लगता है यहाँ से पूरा वर्धा दिखता है और आज का जो वेदर था ना बहुत प्यारा था ठंडी हवा चल रही थी थोड़े बहुत बादल आए थे घर से निकले थे तब बादल नहीं थे लेकिन थोड़े बहुत बादल आए थे बच्चे अपना बॉल बच्चे बॉल लेके आए कि हम यहाँ पे खेलेंगे और बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे आने के बाद में और दिन भर की जितनी भी थकावट थी ना वो सारी थकावट यहाँ पे आने के बाद में निकल गई क्योंकि मौसम बहुत प्यारा था और बच्चे जैसे ही यहाँ पे आए वो तो खुश हो गए बच्चों को बहुत अच्छा अच्छे लगे यहाँ पे छः मेरी सारी सिटी सिटी का कुछ पार्ट यहाँ से तो बस आज का जो ब्लॉग था यहाँ एंड करते बच्चों को लेके आए हैं बाहर घुमाने के लिए थोड़ा सा बच्चे घूमेंगे फ्रेश होंगे काफ़ी दिनों से कहीं बाहर गए नहीं थे तो ये ब्लॉग का पे करते मिल रहे इसके बाद नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक बाय बाय टेक केयर आराम से अनाया दुबली हो जाएगी बेटा अपन घूमने आए दुबला होने नहीं आया सोचा था ब्लॉग का एंड अभी यहाँ पे हो जाएगा लेकिन नहीं थोड़े बहुत मोमेंट्स थे जो आप लोगों को दिखाने थे तो बस यहाँ से हम लोग निकल गए थे अब घर के लिए क्योंकि बारिश वाला जो मौसम हो रहा था और जाते ही ना यहाँ से हमें मोमोज भी पैक करवाने थे क्योंकि घर से जैसे ही निकले थे अनाया ने बोला था कि आज मुझे मोमोज खाने तो बस यहाँ से मोमोज पैक करवाए और फिर घर के लिए चले गए थे अगर व्लॉग थोड़ा भी पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग